असलमकुम डर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन कम्प्लीट कर दी थी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट एट स्टार्ट सही है छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत आसान एक्सरसाइज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर साल आती है एग्जाम में तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सही है अब एक्सरसाइज टू पॉइंट एट में सबसे पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे फॉर्मूलास आज हम फार्मूलाज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे तीन नए फॉमूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए मैथ्स में बचपन में ही पढ़े होंगे आपने अभी फिर से बता देता हूँ क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होते हैं किसके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तीन फार्मूला लिखे हुए हैं ये तीन फार्मूलाज थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस तरह ये थर्ड फॉमूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ये तीन फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए भूलना मत सही है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला थे आपको आगे जाके भी जितने भी चैप्टर्स और आते होंगे मैथ्स में उन सब के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है सही है ये फॉर्मलाज आपको याद होना चाहिए अब आप चाहो तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो या इसको बाद में लिखो इसको पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि अगर आप इस तरह लिखना चाहो कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर तब भी एक ही बात है इजिकल्स टू तो इजिकल्स टू का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले वाली चीज़ लिखो या ये वाली चीज़ लिखो सही है अब एक रूल इसमें मैथ्स का टू पॉइंट एट स्टार्ट करने से पहले एक रूल मैथ्स का आपको पता होगा और याद भी होगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट्स नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर शुड नॉट हैव स्क्वायर रूट्स डिनोमिनेटर शुड हैव नो स्क्वायर रूट्स ये आपको 2.7 की एक्सरसाइज में भी मैंने बहुत दफ़ा बात बताई होगी जो हमने लास्ट में सबसे लंबा वाला सवाल किया था उसके अंदर एंड में स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आ गया था याद होगा अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ थ्री या टू आ गया था तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ा था क्योंकि हमें स्क्वायर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता ये मैथ्स का रूल है आपको ही पता होगा ये बात सही है तो ये बात बस याद रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट्स नहीं होने चाहिए सही है अब हम पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट एट क्वेश्चन नंबर वन क्या है रैशनलाइज द डिमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग हमें क्या करना है रैशनलाइज करना है डिनोमिटर्स को रैशनलाइज का मतलब है कि नीचे वाली टर्म देखो रूट में गिवेना है क्या है पहला सवाल वन अपॉइंट टू प्लस अंडर रूट थ्री तो हमें इसको पहले रूट से हटाना है वन अपॉइंट टू प्लस अंडर रूट थ्री अब याद करें थोड़ा पीछे जाए और याद करें एक्सरसाइज टू पॉइंट सेवन के आखिरी वाले बड़े वाले सवाल को उसमें एंड में क्या इक्वेशन बन गई थी टू अपॉन अंडर रूट थ्री यही थी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री यही थी इक्वेशन अगर आपको याद हो अच्छे से गौर से देखिए इसमें नहीं देखिए अभी आप अपनी इमेजिनेशन पे करिए टू अपॉन अंडर रूट थ्री हमने क्या किया था नीचे वाले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री यही किया था ताकि नीचे अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री क्या हो जाए स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए याद आ रहा है ना थोड़ा बहुत अगर आपको पिछले अच्छी तरह आपने पढ़ा होगा आपने लिखा होगा उसकी प्रैक्टिस की तो आपको याद आ रहा होगा तो इसी तरह इसमें देखिए ये क्या है वन अपॉइंट टू प्लस अंडर थ्री अब यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट थ्री तो कर नहीं सकते क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना अंडर रूट थ्री तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन फिर यहाँ पे भी एक्स्ट्रा अंडर रूट थ्री आ जाएगा उसका क्या करेंगे अंडर रूट तो हमें पूरी पूरी तरह हटाना है तो इसमें एक लॉ लग, रूल लगता है अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो हम इसमें लगाते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री क्या होता है कॉन्जुगेट जो आपकी यहाँ पे साइन होगी ना अगर प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो आइए बात समझ में इस रूल को हम कहते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू माइनस अंडर रोड थ्री अगर यहाँ पे टू माइनस रोड थ्री होता ना तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराता टू प्लस से लेकिन यहाँ पे क्या है टू प्लस अंडर रोट थ्री तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करा दिया टू माइनस अंडर रोट थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे सही है अब आगे इसका स्टेप देखते हैं आगे इसका स्टेप ये रहा वन अपॉन टू प्लस अंडर वोड थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस अंडर वोड थ्री डिवाइड बाई टू माइनस अंडर वुड थ्री सही है अब ये वन से मल्टीप्लाई हुआ इसको एडवेटेज लिखा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया अब गौर से देखें ये हो है टू प्लस अंडर वुड थ्री और ब्रैकेट में टू माइनस अंडर वुड थ्री हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा है ए माइनस बी ए प्लस बी याद है तो इसमें गौर से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह लिखो इस तरह लिखो, लिखो एक ही बात है ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म बन रही है वही वाली इस वाली ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अगर मैं इसकी जगह टू लिखूँ ए की जगह टू प्लस अंडर रूट थ्री और टू माइनस अंडर रूट थ्री तो ये क्या बन जाएगा टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ रही बात समझ में ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी वही वाली फॉर्म बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी कौन सी फॉर्म बननी है फॉर्मूला वाली फॉर्म ए प्लस बी ए माइनस बी टू प्लस अंडर वोड थ्री टू माइनस अंडर थ्री टू प्लस अंडर थ्री टू माइनस अंडर थ्री तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्या है इसमें टू बी क्या है इसमें अंडर थ्री तो स्क्वायर और स्क्वायर लग गया तो मैं इस पूरे की जगह ये लिख सकता हूँ टू का स्क्वायर माइनस अंडर थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना तो मैंने इस पूरे की जगह ऊपर वाली चीज़ ऐसी ली टू माइनस अंडर थ्री और नीचे वाली चीज़ की जगह क्या लग दिया टू का स्क्वायर माइनस अंडर थ्री का स्क्वायर आपको पता है टू का स्क्वायर क्या होता है फोर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो क्या बचा थ्री फोर माइनस थ्री क्या होता है वन वन हम नीचे शो नहीं करते वही तो मैंने ऐसी शो किया हुआ है अब नहीं करना तो आपका सिर्फ आंसर क्या आया टू माइनस अंडर रूट थ्री आपका आंसर आया है आई बात समझ में कोई इशू तो नहीं इसका नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है वन अपॉन थ्री माइनस टू अंडर रूट थ्रू पार्ट टू इसका वन अपॉन थ्री माइनस टू अंडर रूट टू सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपोजिट साइन से कॉन्जुगेट जिसको कहते हैं वन अपॉन थ्री माइनस टू अंडर रूट टू था तो थ्री प्लस टू अंडर टू कर देंगे इसको अब देखो मल्टीप्लाई किया थ्री प्लस टू अंडर टू डिवाइड किया थ्री प्लस टू अंडर टू ये वन से मल्टीप्लाई हुआ एज इट इज ला ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसको मैंने ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिख दिया अब यहाँ पे गौर से देखो फिर से वही फॉर्म बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी किस तरह ए क्या हो गया थ्री बी क्या हो गया टू अंडर रूट टू इसी तरह ए प्लस बी थ्री प्लस टू अंडर रूट टू तो इस पूरी की जगह क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी कि ए क्या है थ्री का स्क्वायर और बी क्या है टू अंडर रूट टू का स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस तो इस पूरी की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ऊपर थोड़ा कर देता हूँ अब देखो इस पूरे की जगह मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ तो इसको मैंने क्या कर दूँगा थ्री प्लस टू अंडर रूट टू एज इट इज़ रहा वाली चीज़ ये जो ऊपर लिखी हुई है ये एज इट इज और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने ये पूरी चीज़ लिख दी थ्री का स्क्वायर माइनस टू अंडर टू का स्क्वायर अब थ्री का स्क्वायर आपको पता क्या होता है नाइन यहाँ पे क्या आ गया नाइन सही है अब ये जो स्क्वायर है ये टू के साथ अलग रखा हुआ है और अंडर रूट टू के साथ अलग लिखा हुआ है तो मैंने इसको अलग अलग शिफ्ट कर दिया टू के साथ भी अलग अंडर रूट टू के साथ भी अलग ऊपर वाली चीज़ एज इट इज कॉपी हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें अब ये नाइन इज रहा टू का स्क्वायर क्या होता है फोर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ इसमें तो ये क्या बचेगा टू अब ऊपर वाली चीज़ ऐसी रही नाइन फोर टू का क्या होता है एट तो नाइन माइनस एट क्या हो गया वन तो आपका आंसर क्या आया थ्री प्लस टू अंडर रूट टू आई बात समझ में कोई इशू तो नहीं आ रहा इसी तरह आप नेक्स्ट सवाल जो है so, क्या है वन अपॉन फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स ये सवाल आप खुद घर से करोगे सही है बस फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास में हम आगे सवाल करेंगे जो आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सही है ओके okay, हाफिज़